महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिता भदेल ने रविवार को वन महोत्सव के तहत अजमेर के एक निजी स्कूल में वृक्षारोपण किया। साथ ही अजय नगर स्थित मिडिल स्कूल में विधिक सेवा प्राधिकरण और संस्कार समिति की ओर से आयोजित वृक्षारोपण समारोह में पौधारोपण किया है। भदेल ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और हर व्यक्ति की ओर से एक पेड़ लगाने की अपील करी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों से अपील करी कि वो पौधा लगाने के साथ साथ 5 साल तक उनकी देखभाल करने का भी जिम्मेदारी निभाएं, जिससे कि हरित राजस्थान का सपना साकार हो सकेगा। ये जो मिडिल स्कूल है अजय नगर का, इस मिडिल स्कूल में आज वन महोत्सव के तहत वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। लगातार 3 वर्षों से यहाँ वृक्ष लगाए जा रहे हैं और जो वृक्ष अभी आप देख रहे हैं बड़े, वो वृक्ष भी संस्कार कॉलोनी के कार्यकर्ताओं द्वारा ही लगाए गए हैं। वर्ष भर इनका देखरेख की जाती है, गर्मी के दिनों में यहाँ पानी पिलाने की व्यवस्था होती है और इसी वजह से ये पेड़ न केवल लगे हैं बल्कि पेड़ जो है जीवित हैं और पेड़ खड़े हैं। ये अच्छी बात है क्योंकि वन महोत्सव के तहत लोग बहुत सारे पेड़ तो लगाते हैं लेकिन उसके बाद में उसकी देखरेख नहीं करते, सार संभाल नहीं करते, इसके कारण से वो पेड़ लगाना व्यर्थ होता है। तो मैं सभी को ये आग्रह करना चाहूंगी कि पेड़ सिर्फ लगाना नहीं है, पेड़ उगाना है। ये लोग जागरूक हों, हर क्षेत्र में जागरूक हों और वृक्षारोपण के लिए भी हम लोगों को जागरूक करते हैं। हमारा ये प्रयास है और लोगों को हम समझाते हैं कि अपनी कॉलोनी में लोग एकजुट हों, ग्रीन क्लब्स बनाएं और न केवल वृक्ष लगाएं, पेड़ जो है वो सभी को पता है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, बल्कि पर्यावरण से जुड़ी हुई सभी जो तमाम जो आवश्यक जो चीज़ें हैं वो भी करें, जैसे पानी बचाएं, बिजली बचाएं, जितना